पार्टी जिंदाबाद, 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 आजाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी का अध्यक्ष मंत्री पार्टी का नाम खबर जय निषादा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आजमगढ़ पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा और निषाद पार्टी एक ही, साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी वो भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। प्रदेश के सभी सीटों पर NDA का गठबंधन विजय हासिल करेगा। देखिए आज के दिन में अभी आपको आप मालूम है कि जब पार्टी अभी हमारी 5-6 सीटें भोजन भरी थाली से जीती है और 5 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी अलग नहीं है, हम दोनों के एक मानते हैं और कहीं भी स्प्रिंटिंग होगी तो उससे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और अभी हम लोगों की पार्टी बढ़ रही है और धीरे धीरे जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगी तो हर आदमी के दिलों में पार्टी है, दिलों में नारा है, दिलों में विचारधारा है, सोच है, वो समय आने पर बटन दबाया जाता है और उस समय उनको मालूम है हमें कहाँ बटन दबाना है। वहीं बिहार में रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान पर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने कहा कि इन लोगों ने नफरत फैलाई, अगर ये लोग नफरत नहीं फैलाते तो आज देश की दशा कहां चली गई होती। जिन्होंने 70 साल की सत्ता में कुछ नहीं किया वो अब क्या कर सकते हैं। देखिए नफरत तो इन लोगों ने फैलाया ना, नफरत नहीं फैलाते तो आज देश की दशा कहां चली गई थी। इन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता थी 70 साल से ना, जिस पार्टी के मंत्री हैं वो नीतीश को चाहिए उन्हें बर्खास्त करें। नीतीश जी उससे पहले इसी का गुणगान गाते थे लेकिन अब अलग होने के बाद सुर बदल गया। जिन नेताओं का सुर बदल जाए उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। संजय निषाद ने रामराज्य का मतलब समझाते हुए कहा कि रामराज्य उसे कहते हैं जहां हर जाति हर धर्म के लोगों को बिना भेदभाव के गले लगाया जाए, उनको योजनाओं का लाभ दे, उन्हें सम्मान दे। रामराज उसे कहते हैं कि सभी जाति सभी धर्म का भेद बिना भेदभाव के उसको हम लगाए गले और उसको योजनाओं का लाभ दे, उनको सम्मान दे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC ST से भी ख़राब है। ये किसके समय आए, वोट दबाएंगे साथी का, साइकिल का, पंजा का और बदले में मुसलमान गरीबी पाए और उसका इलाज हम कराएं, उसका अनाज हम दें, उसका मकान हम बनाएं, इसी को तो रामराज कहते हैं ना, बिना भेदभाव के सभी जाति को गले लगाएं। वहीं ओम प्रकाश राजभर के NDA में शामिल होने को लेकर उनसे पूछे गए सवाल पर संजय निषाद ने कहा वो हमारे भैया हैं, जब उनके सलाहकार बदल जाएंगे तो सुबह कुछ और बुलवाते हैं, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, और जिस दिन सलाहकार बदल जाएंगे वो हमारे साथ आ जाएंगे। वो बड़े भैया हमारे हैं, वो भैया हैं, अब उनके सलाहकार जब बदल जाएंगे तो निश्चित जो सुबह कुछ और बुलवाते हैं, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और, तो जिस दिन सलाहकार बदल जाएंगे उस दिन हमारे भैया हमारे साथ आ जाएंगे। हम लोग तो सबका साथ सबका विश्वास सबका विश्वास वाले हैं ना, जो भी हमारी नीतियों का समर्थन करे वो हमारे साथ आएगा। अब देखना ये होगा कि संजय निषाद ने तो ओम प्रकाश राजभर के NDA में शामिल होने को लेकर बात कही, उन पर निशाना भी साधा। अब इस पर ओम प्रकाश राजभर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।